आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ब्लड। आइए देखते हैं ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। और ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है वो अबाउट 5 to 6 लीटर होता है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में। और ब्लड का जो पीएच होता है ये होता है 7.4, जिसकी वजह से ये थोड़ा अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब क्या, वो बेसिक 7.4 के ऊपर है, 7 के ऊपर है, 7 के ऊपर बेस होता है जनरली, तो इसलिए अल्कलाइन होता है। ठीक है, ब्लड करता क्या है, ब्लड गैसेस गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स वाटर इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। अगर ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में मेनली दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मा का पार्ट होता है उसमें 91% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन और 1% गैस होता है। ठीक है, अब जो प्रोटीन है ये फर्दर 3 टाइप होती हैं। पहला हो गया एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रिनोजन। 3 प्रोटीन होती हैं इसमें। लेकिन जो सेलुलर पार्ट है, सेलुलर पार्ट में क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसके अलावा भी ब्लड में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, NaCl हो गया, आयरन हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ब्लड में ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, और ये लगभग हर समय ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में पहला जो है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये होता है, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। ठीक है, और ये सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, ये सिंथेसाइज होता है लीवर में। ठीक है, एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस लीवर में होता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 3 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इनका प्रोडक्शन होता है लिम्फॉइड टिश्यू में। ठीक है, और ये मेनली एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं और इसीलिए ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तीसरा है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल बस सिर्फ और सिर्फ होता है क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनका प्रोडक्शन भी लीवर में होता है। अब अगला क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो हार्मोन्स और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। अब एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ब्लड विस्कोसिटी को मेंटेन करेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी ब्लड की तो फिर उस हिसाब से ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आएंगे। फिर फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडीज़ का सेक्रेशन के लिए नेसेसरी है। और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल और एक चीज़ के लिए होती है, वो क्या है, मेंटेनिंग ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए भी प्लाज्मा प्रोटीन नेसेसरी है। ठीक है, अब पहला है जो पहले सेल्स के सेलुलर पार्ट में जो पहला सेल है वो है RBC और रेड ब्लड सेल या फिर एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब एरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, सर्कुलर डिस्क शेप्ड बाई कॉन्केव सेल्स। अब सर्कुलर डिस्क शेप का मतलब तो सबको समझ में आ रहा है, बाई कॉन्केव का मतलब क्या होता है, इस इनका जो शेप होता है अगर साइड से देखा तो इस तरह की होती हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं इनके, ये दोनों पार्ट, इसे कहते हैं बाई कॉन्केव। यहाँ से दोनों अंदर की तरफ घुसे हैं ना, कॉन्केव स्ट्रक्चर, तो इसलिए यहाँ से ये अंदर की तरफ घुसे हैं ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाई कॉन्केव सरफेस कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एबसेंट होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो नॉर्मल एवरेज वो है काउंट है RBC का, वो है 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर है ब्लड का तो उसमें 4.5 to 5 मिलियन RBC होंगे। RBC सर्व इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस भी बनाते हैं और गैसेस को ट्रांसपोर्ट। यहाँ से ये अंदर की तरफ घुसे हैं ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाई कॉन्केव सरफेस कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एबसेंट होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो नॉर्मल एवरेज वो है काउंट है RBC का, वो है 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर है ब्लड का तो उसमें 4.5 to 5 मिलियन RBC होंगे। RBC सर्व इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस।
ठीक है, एसिड बेस बैलेंस भी बनाते हैं और गैसेस को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका सिंथेसिस कहाँ पे होती है? बोन मैरो में। ठीक है, ये सिंथेसाइज कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती हैं, जो कि लॉन्ग या शॉर्ट बोन की इंड्स पे होते हैं। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है अबाउट 120 डेज होती है। अब कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं आरबीसी के, कुछ डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि पहला है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या है? कंडीशन जिसमें कि आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा आरबीसी के प्रेजेंट है उसको पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी के नंबर डिक्रीज़ कर जाए, यानी जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल रेंज है आरबीसी की, यानी 4.5 to 5 million, तो अगर इससे कम आरबीसी है तो उसको कहते हैं एनीमिया, वो एनीमिक कंडीशन होती है। और अगर या तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो तब भी वो एनीमिया होगा, क्योंकि अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब आरबीसी भी कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के ही ऊपर होगी। ठीक है, और तीसरा जो इसका एक टेस्ट होता है आरबीसी का, पर्टिकुलरली आरबीसी का टेस्ट होता है, उसको तो कहते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है? एक वेंट्रोप ट्यूब होती है। ठीक है, उस ट्यूब में आरबीसी को, उस ट्यूब में ब्लड फिल करते हैं। ठीक है, ब्लड फिल करने के बाद हम लोग 1 घंटे वेट करते हैं। 1 घंटे वेट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि आरबीसी की जो सेटल डाउन हुई है आरबीसी वो कितना हुई है। तो यही है कि आरबीसी के सेटल डाउन होने की जो रेट होती है उसे कहते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का, वो मेल में अबाउट लेस देन 15 mm/h है और फीमेल्स में जो है ये लेस देन 20 mm/h है। ठीक है, अब अगली जो है वो है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस क्या है? आरबीसी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। अब बर्थ से पहले क्या होता है, आरबीसी जो है वो फीटस, जब फीटस होता है तो फीटस में आरबीसी लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, तीनों जगह पे बनती है। लेकिन बर्थ के बाद आरबीसी सिर्फ बोन मैरो में बनती है। कहाँ पे? बोन मैरो ऑफ रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्री। ठीक है, और उसके बाद लिम्स में, लिम्स में जो बोन्स होती हैं उनके बोन मैरो में भी बनती है। ठीक है, अब इसमें जो आरबीसी डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेज में होता है। पहला है प्रोरेथ्रोब्लास्ट। प्रोरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है? एक लार्ज सेल होती है, आरबीसी जो है एक लार्ज सेल के रूप में होती है, उसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोरेथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट HB एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। नॉर्मोब्लास्ट में क्या है? नॉर्मोब्लास्ट स्मॉलर होती है प्रोरेथ्रोब्लास्ट से, यहाँ पे न्यूक्लियस डिजनरेट हो चुका होता है लेकिन आरबीसी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरी स्टेज जो है रेटिकुलोसाइट। जब अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिजनरेट हो गया, HB प्रेजेंट है, अब यही आगे चल के नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा कि HB प्रेजेंट रहेगा बट यहाँ पे रेटिकुलम भी प्रेजेंट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद इरेथ्रोसाइट स्टेज में क्या होता है? आरबीसी फुली डेवलप होती है, रेटिकुलम डिजनरेट हो जाता है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें। और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए दो सबसे नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो हैं विटामिन B12 और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें क्या है, हीम, ये जो हीम पार्ट होता है ये आयरन पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट जो है ये प्रोटीन पार्ट होता है। ग्लोबिन प्रोटीन अभी हम पढ़े थे ना ब्लड में, तो ग्लोबिन प्रोटीन यही पे है और हीम जो है ये आयरन पार्ट है और यही जो है इसी की वजह से रेड कलर जो होता है दिखता है ब्लड में। नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो एक एवरेज मेल में 13.5 to 17.5 g/dL होता है हीमोग्लोबिन मेल में, जबकि फीमेल में वही 11 to 15 g/dL होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के फंक्शन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मेंटेनिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एज अ सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिलरुबिन। अब ऐसे जब 120 दिन बाद जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद वहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ तो हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होगा। हीमोग्लोबिन लीवर में जब ब्रेक होता है तो फॉर्मेशन होता है किसका? बिलवर्डिन का। फिर बिलवर्डिन आगे चल के बिलवर्डिन कन्वर्ट होती है बिलरुबिन में, तो बिलरुबिन के फॉर्मेशन के लिए हीमोग्लोबिन नेसेसरी है। अब हीमोग्लोबिन की भी एक कंडीशन होती है कि अगर एक कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी से निकल के ब्लड में पहुंच जाता है, मतलब आरबीसी पे प्रेजेंट ना होकर वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा पार्ट में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हीमोलिसिस। ये होता कैसे है? ये हाइपोटोनिक कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स या टॉक्सिन्स जो होती हैं उनकी वजह से ये होता है ऐसा। अब जो दूसरी सेल है हमारी वो है वाइट ब्लड सेल्स।
WBC या ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है, ये कलरलेस सेल होती हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये RBC से लार्जर होती हैं साइज में, और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6,000 to 10,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। कई जगह पे ये 4,000 to 11,000 भी मिल जाता है, लेकिन जो एक नॉर्मल रेंज है वो 6,000 to 10,000 ही है। फिर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो WBC को फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ग्रैन्यूलोसाइट्स और एग्रैन्यूलोसाइट्स। अब जो ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं इनमें क्या होता है, इनके साइट जो WBC होती है इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनमें ज़्यादातर जो है इसमें ग्रैन्यूलोसाइट्स में दो या दो से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये फर्दर जो है थ्री पार्ट की होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, इसनोफिल और बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दो से लेकर पाँच तक कितने भी लोब हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लोब ये है, एक लोब ये, एक लोब ये, तीन लोब है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। न्यूट्रोफिल को अगर हम स्टेन करेंगे तो उसके लिए न्यूट्रल डाई चाहिए होती है। न्यूट्रोफिल ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल डाई चाहिए होती है स्टेन करने के लिए। और जो टोटल ब्लड का वॉल्यूम, RBC का वॉल्यूम होता है, WBC का टोटल, WBC वॉल्यूम का अबाउट 65 to 70% जो है न्यूट्रोफिल होता है। दूसरी सेल हमारी जो है वो है इसनोफिल या एसिडोफिल्स, ठीक है, दे आर स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। ग्रैन्यूल जो हैं इनके क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स दूर दूर हैं, बट यहाँ पे ग्रैन्यूल्स ज़्यादा डेंस हैं, ठीक है, और इनमें दो लोब होते हैं, इनमें सिर्फ दो लोब होते हैं, सिर्फ दो लोब, एक दो। और स्नोफिल का एक और कंडीशन है, न्यूट्रोफिल को जो है न्यूट्रल डाई से स्टेन किया जाता है, वैसे ही इसको स्नोफिल को स्टेन करने के लिए एसिटिक स्टेन की जरूरत पड़ती है, एसिटिक डाई होनी चाहिए तभी वो स्टेन होंगे, और ये अबाउट 2 to 4% होते हैं टोटल WBC के, ठीक है। फिर जो तीसरी सेल आती है वो आती है बेसोफिल या मास्ट सेल, और इनके भी ग्रैन्यूल्स वैसे ही होते हैं स्नोफिल की तरह क्लोजली पैक्ड, और इनके ग्रैन्यूल्स जो हैं बेसिक डाई से स्टेन करने पर स्टेन होते हैं, किस कलर के, ब्लू कलर के। अगर बेसिक डाई से स्टेन करेंगे तो इनके ग्रैन्यूल्स ब्लू कलर के स्टेन होंगे, और इनका जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है, ये ऐसा किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, और ये अबाउट 0 to 2% होते हैं टोटल WBC के। दूसरा जो पार्ट है वो है एग्रैन्यूलोसाइट। एग्रैन्यूलोसाइट क्या है, एग्रैन्यूलोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस होगा, लूप्ड नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये फर्दर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट टोटल WBC का 25% होता है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट WBC होता है, जितने WBC हों सब में से सबसे स्मॉल जो है वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है ऑलमोस्ट इसका न्यूक्लियस जो है पूरे साइटोप्लाज्म को कवर किया रहता है, बहुत थोड़ा सा ही साइटोप्लाज्म बचता है इसमें, फ्री साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा जो सेल है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, ये लार्जेस्ट WBC होती है। लिम्फोसाइट क्या होती है, स्मॉलेस्ट WBC, और मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट WBC, और ये अबाउट 2 to 4% होती है टोटल WBC का, और इसमें न्यूक्लियस जो है इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस जो है इसमें बीच में होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ WBC, ठीक है। WBC पहले तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, इसमें जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सेल्स होती हैं ये फैगोसाइटोसिस करा देती हैं, जो भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती प्रोड्यूस करती है, तो वो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करती हैं। और जो बेसोफिल सेल्स होती हैं ये एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करती हैं, इसको कहते हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग नहीं होने देता, ठीक है। जो इसमें दूसरा, तीसरी जो पार्ट है, जो तीसरी तरह की सेल्स होती हैं वो होता है प्लेटलेट्स, जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, राउंड या ओवल शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये एक राउंड या ओवल शेप्ड सेल्स होती हैं, जो कि बाईकॉनकेव सरफेस, इनका सरफेस क्या होता है, बाईकॉनकेव, यानी RBC जैसा ही, ठीक है। ये RBC का अबाउट 1/4 होती हैं, जैसे अगर अगर RBC के हिस्से करें तो RBC का एक हिस्से के बराबर होती है प्लेटलेट्स साइज में।
नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट है वो 2 to 5 लाख है पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और प्लेटलेट्स में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, जो मेगा कैरियोसाइट जाइंट सेल्स होती हैं बोन मैरो में, वो करते हैं इनका प्रोडक्शन। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है प्लेटलेट्स में, ये नेसेसरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद दे आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती हैं। इसमें एक डिसऑर्डर जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है प्लेटलेट्स की जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको कि हम अगले वीडियो में देखें।